अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और मैं आपके साथ ये इंग्रेडिएंट पहले शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज हो गए जो सबसे पहले डालेंगे, ये चिकन हो गया हाफ के जी, करेले हो गए जो कि मैंने कट कर लिए और इन्हें पानी में मैंने भिगो के रख दिया है, क्योंकि इनमें कड़वाहट होती है तो पानी में भिगो के रखने से इनकी कड़वाहट काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। टोमेटोज़ हो गए, मेरे पास फ्रीज किए हुए टोमेटोज़ थे तो मैंने 3 अदद टोमेटोज़ लिए हैं। और ये मसाले हो गए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, नमक हो गया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ में ग्रीन चिल्लीज लिए हैं 4 अदद। तो ये हमारे सारे जो हम लोग सालन में डालेंगे, तो ये हमारे आइटम हो गए। तो आप देख लें, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चूल्हा जलाने लगी, कुकर मैंने ऊपर रख दिए, सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। हस्बे जरूरत आप इसमें ऑयल डाल लें। तो इसमें हम हाफ प्याज डाल देंगे मसाले में, और हाफ प्याज डालेंगे बाद में। तो इतने बहुत हैं, देखिए मैंने एक प्लेट मैंने फुल भर के जो है ना प्याज की मैंने काटे थे, 1 kg प्याज थे जो मैंने कट किए थे, उनके बाद वो मैंने उनमें से हाफ मैंने मसाले में डाले हैं जो मसाला बनेगा, और हाफ उसके बाद वो आप देखेंगे। ये देखें, जैसे ये ब्राउन होते हैं तो इसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। मेरे प्याज जो हैं वो हल्के से गुलाबी होना स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं हल्के से। चलें जी, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं चिकन डालूंगी, चिकन डाल दूंगी। मैंने चिकन डाले, इसे हल्का सा भून लूंगी, उसके बाद उसके साथ ही मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने उसके साथ ही डाल दिया, और मसाला जात भी डाल दूंगी। ये स्पाइसेस सारे डाल रही हूँ, ये हो गया नमक, ये रेड चिली और ये हल्दी पाउडर। ये देखेंगे, इन्हें मैं भून रही हूँ, मसाला जाति डाल दिए, चिकन को भून लेंगे अच्छे से। जब चिकन अच्छे से भून जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा इसे टाइम दे देंगे ताकि ये गल जाए। ये इसके साथ मैं टोमेटोज भी डाल रही हूँ, ये 3 अदर टोमेटोज फ्रीज वाले ये भी मैंने डाल दिए। ये हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट ये भून चुका है, इसे हमने भून लिया अच्छे से। इसमें
इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी और इसे मैं प्रेशर कुकर में लगा दूंगी। ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। इसे मैंने लिड पे लगा दिया है, जब तक इसकी वन लिड आती है तो फिर उसके बाद हम इसे उतार लेंगे और फिर चेक करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। वन मिसल आ चुकी है, अब मैं इसे उतार रही हूँ। अब मैं इसे उतार लूँ फिर उसके बाद आगे दिखाती हूँ। ये सालन मेरा भून गया, अब इसमें मैं करेले डाल रही हूँ बारी बारी। चलें, ये मैंने सारे पानी में से करेले निकाल के अच्छे से निचोड़ के ताकि उनकी कड़वाहट निकल जाए, तो ये मैंने अब इस सालन में डाल दिए हैं। इन्हें मैं अच्छे से भूनूंगी पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब ये करेले अच्छे से भून जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं इनमें प्याज डाल दूंगी, फिर उन्हें हल्का सा भून के फिर मैं इन्हें प्रेशर दोबारा लगा दूंगी 5 मिनट का। चिकन को भी मैंने 5 मिनट दिए हैं तो वो गल गए, उसके बाद इन्हें भी मैं 5 मिनट लगाऊंगी, तो ये सारे अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा हमारा करेले गोश्त। इन्हें हम जितना भूनेंगे ना तो उतने अच्छे बनते हैं ये। जितना इन्हें भूनेंगे तो उतना ही मज़ेदार सालन हमारा रेडी होके तैयार होगा। इनकी कड़वाहट भूनने से जो है ना, इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। मैं ये ग्रीन चिलीज भी इनके साथ ही डाल दूंगी, 4 अगर साबित डाल दिए हैं मैंने, ऐसे भूनते रहेंगे। ये प्याज हैं, ये आप देख रहे हैं प्याज पूरी प्लेट भरी हुई है, तो ये मैं सारी प्लेट जो है ना अब डाल दूंगी करेले भूनने के बाद। अब मैं ये प्याज इसमें डालने लगी हूँ, ये देखें हमने प्याज डाल दिए इसमें। आप अच्छे से भूनेंगे, बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी बनता है ये सालन। वैसे तो अल्लाह पाक ने जो भी सब्जियां बनाई हैं, हर चीज़ की अपने फ़ायदे हैं और हर चीज़ की अपनी बरकतें हैं, और बहुत मज़ेदार बनती है, हर चीज़ का अपना टेस्ट होता है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ सुहांजना गोश्त की रेसिपी शेयर की थी, वो भी मेरी सबको बहुत पसंद आई है। उम्मीद करती हूँ ये भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये देखें करेले प्याज अच्छे से भून रहे हैं, काफ़ी हद तक ये भून चुके हैं। तो जब कभी लगने लगे तो मैं थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देती हूँ, तो उससे जो है ना ये ठीक रह जाते हैं, नीचे नहीं लगता। अच्छे से जब भुन जाएंगे तो इन्हें हम वन मिसल लगा देंगे। मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लगा है, तो इसमें 1 टीस्पून मैं थोड़ा सा और नमक डालने लगी हूँ। आप अपने हस्ते मंशा, आपको जितना सही लगे तो आप उतना डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी। इसे हमने भून लिया, मैं इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं गैस में लगा दूँ। 1 गिलास मैंने पानी पर डाला, इसे कम कर दूंगी और इसे मैं
इसे मैंने विसल पे लगा दी है, तो जब ये विसल बजेगी तो उसके बाद जो है हम 5 मिनट के बाद उतार लेंगे इसे और हमारा सालन बन के रेडी हो जाएगा।